नमस्कार दोस्तों, मैं सायश्वी संधू आपका सुबह सवेरे एक पहेली में स्वागत करती हूँ, जिसमें कि हम आपके लिए रोज एक नई पहेली और एक जीके का क्वेश्चन लेकर आते हैं। दोस्तों, हमारी कल की पहेली थी, वह कौन सा जानवर है जो अपने जन्म के बाद 2 महीने तक सोता है? और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बियर, यानी कि भालू। और दोस्तों, हमारा कल का जीके का क्वेश्चन था, हमारे ह्यूमन बॉडी यानी हमारे मानव शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में यूजलेस है, यानी अब वो यूज नहीं होता। और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है अपेंडिक्स। दोस्तों, ये जो है ये एक ब्लाइंड एंड नेचर स्ट्रक्चर होता है, जो कि पहले के ज़माने में जब हमारे पूर्वज हम एशियन जो थे वो रॉ मीट खाते थे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये ऑर्गन यूज़ होता था। लेकिन अब अगर इस ऑर्गन में हमारा कोई कंटेंट चला जाए फूड का, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो उसे बाहर निकालना, इसीलिए इसे सर्जरी कर निकाल दिया जाता है। और ये पुराने ज़माने के हमारे एशियन लोग यूज़ करते थे जब वो रॉ मीट खाते थे। और दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया है लगभग सभी ने। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा आज का जीके का क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा आज का जीके का क्वेश्चन है, भारत की ऐसी नदी यानी ऐसी रिवर का नाम बताइए जो कि भारत की सबसे ज़्यादा साफ नदी मानी जाती है, यानी सबसे ज़्यादा क्लीन नदी। और इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी आज की पहेली। तो दोस्तों, हमारी आज की पहेली है, सोहन की जो मुर्गी है उसने मोहन के घर अंडा दिया, तो बताओ अंडा किसका हुआ? सोहन की जो मुर्गी है उसने मोहन के घर अंडा दिया, तो बताओ अंडा किसका हुआ? तो इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में।